एक मित्र ने लिखा है, प्रणाम। हमें लगता है कि यदि यही एक बात हमें समझ में आ जाए कि जो कुछ भी है वो उसी चेतना से व्याप्त है, तो हमारे मन को शांत होने में कोई देर नहीं लगेगी और हमारी सारी जटिलताएं समाप्त हो जाएंगी, हम सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से मुक्त हो पाएंगे। कृपया कुछ कहें। निश्चित ही उपनिषदों का ये जो उद्घोष है, ईशावास्यम इदम, सब कुछ उसी चेतना से व्याप्त है, उसी ईश्वर से, उसी परम तत्व से, ये गहरे से गहरे वक्तव्यों में से एक है। व्यक्ति अगर इसको देख पाता है, समझ पाता है, अपने जीवन में शामिल कर पाता है, तो फिर उसके जीवन से जटिलताएं तो जाएंगी, और जो कॉम्प्लेक्सिटीज से उसका शरीर और मन ग्रस्त हो गया है वो भी धीरे धीरे विलीन होंगे। सब कुछ उसी चेतना से व्याप्त है का अभिप्राय जो व्यवहारिक जीवन में आता है वो यही आता है कि ये सारा जीवन जुड़ा हुआ है। जब एक ही व्याप्त हुआ है, एक ही अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंगों में, अलग अलग तरह से अभिव्यक्त हुआ है, तो द्वंद्व नहीं है, लड़ाई नहीं है, केवल विपरीतता है, द्वैत है, लेकिन द्वंद्व नहीं है। हम लोग द्वंद्व से घिरते हैं, यानी कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों है, वो क्यों है। लेकिन अगर हम यही देखते हैं कि सब कुछ उसी चेतना से व्याप्त है, तो जीवन को फिर हम ऐसे देख पाते हैं कि ठीक है, इस क्षण इसको ऐसे ही होना होगा, इस क्षण इस परिस्थिति को ऐसे ही होना होगा, इस क्षण इस व्यक्ति को ऐसे ही होना होगा, इस क्षण इस घटनाक्रम को ऐसे ही होना होगा। अब हमारे अंदर से जो भी जीवन की क्रियाएं घटेंगी, हम उनके प्रति सहज होंगे। रूपांतरण भी होगा, लेकिन वो रूपांतरण एक सहज घटनाक्रम की तरह होगा, वो किसी युद्ध या द्वंद्व की तरह नहीं होगा। व्यक्ति लगातार संघर्ष में है और अपने को पीड़ित करता है, हम ये बदलेंगे, वो बदलेंगे। बदलाव तो आएगा ही, बदलाव परिस्थितियां, मनःस्थितियां बदलने से सहज ही घटता है, लेकिन बदलाव किसी अवधारणा पर खड़े करके जब कोई चलता है, तो बदलाव आए ना आए व्यक्ति पीड़ित होता है। अगर हम ऋतुओं को देखें, मौसमों को देखें, तो सारे मौसम हमारे तारों, हमारे ग्रह, उनकी गतियों के कारण उसी ढंग से आते हैं। मौसम जो आते हैं उनकी अपनी अपना विज्ञान है, वो एक ही विज्ञान है जिससे गर्मी, सर्दी, बरसात, पतझड़, वसंत सब आते हैं। हम इस बात को जानते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि हम नियम को जानते हैं। और अगर उसके व्यवहारिक पक्ष की तरफ जाएं, तो मौसम बदलते हैं, बदलाव अपने आप आ जाता है, हमको लड़ाई नहीं लड़नी होती। अगर अभी हम सर्दी में हैं, ठंडक में हैं, और गर्मी आने वाली है, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। अचानक सर्दी के कपड़े चले जाएंगे, गर्मी के कपड़े आ जाए, हमको पता भी नहीं चलेगा, परिस्थितियाँ वैसी बन जाएंगी। और गर्मी से हम जब सर्दी में जाते हैं, तब भी वही होता है, बड़ी सहजता से सारा परिवर्तन घट जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। बाहर प्रकृति में फूल, पौधे, वनस्पतियाँ, फल फूल, सब्जियाँ सब वैसे बदल जाती हैं। तो ये एक अनुकूलन है, और ये अनुकूलन एक सहनिर्भरता पर आधारित है, कि पूरा जीवन जिस आंतरिक सहनिर्भरता पर, इंटरडिपेंडेंस पर खड़ा है, उस पर ही सारा बदलाव आता है। तो एक ही चेतना से व्याप्त अगर ये अनुभव व्यक्ति के जीवन में आने लगता है, चाहे पहले बौद्धिक रूप से ही आए, फिर परिपूर्ण रूप से आए, तो जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। जीवन में संघर्ष, एक मानसिक संघर्ष होता है और एक संघर्ष नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक संघर्ष रहते हैं, नैसर्गिक संघर्ष संघर्ष नहीं होते, बल्कि एक प्रक्रिया होते हैं। संघर्ष मानसिक, जिसमें एक युद्ध जैसी स्थिति चल रही होती है, अन्यथा हम
पतझर को संघर्ष मान सकते हैं, जब हवाएं तेज बह रही हैं, पीले पत्ते झर रहे हैं, चारों तरफ के वातावरण में एक ऐसी स्थिति व्याप्त है कि जैसे पेड़ टूटे जा रहे हैं, तो लगता है कि जैसे ये पेड़ हवाओं से संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष नहीं कर रहे, ये सहनिर्भरता है। उन हवाओं के कारण ही वो पत्ते गिर रहे हैं जिनका गिरना जरूरी है। तो जीवन में जो नैसर्गिक प्रक्रिया है वो संघर्ष जैसी दिखती है, लेकिन वो बहुत सहज है। और बाकी संघर्ष मानसिक है कि व्यक्ति सोचता ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अंततः वो करता वही है जो उससे हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें विदा हो जाती हैं, ये सारे द्वंद्व, और तब जीवन बहुत शांत और सुंदर हो जाता है, नैसर्गिक सहजता में बहता है, रूपांतरण भी नैसर्गिक सहजता में आता है, और व्यक्ति के मन में किसी भी तरह का द्वेष, किसी भी तरह का अहम, किसी भी तरह का अपराध बोध नहीं रह जाता। Thank you.